क्या आप भी अपने बच्चों को अपने फोन के ज्यादा यूज से बचाना चाहते हैं, वो भी कोई ऐप डिलीट किए बिना? और क्या आपके फ्रेंड आपका फोन बार बार मांगकर आपकी प्राइवेसी में इंटरफेयर करते हैं? तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक एनी, और मेरा नाम है गुरप्रीत। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने इस ऑटोमेशन को 3 हिस्सों में बांटा है। पहले पहले हिस्से में वाईफाई और मोबाइल डाटा ऑफ कर, सेकेंड वन में आप ऐप को क्रैश कर, और थर्ड वन है कि टाइम डिले के साथ आप ऑटोमेटिकली ऐप को बंद कर सकते हैं। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वाईफाई और मोबाइल डाटा ऑटोमेटिकली कैसे ऑफ होगा। और ये स्पेशल बच्चों के लिए है जो ऑनलाइन गेमिंग ज़्यादा स्ट्रीम करते हैं, जिनके माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं कि ऑनलाइन स्ट्रीम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उनको आप कैसे कैसे एक ट्रिक से आप उनको जब चाहो तो फ़ोन दे के वापस ले सकते हैं। तो ये आप फर्स्ट वन है, सबसे पहले आप इससे प्लस वन पे ऑटोमेशन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पर्सनल ऑटोमेशन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ आप जाएंगे ऐप पर, ऐप के अंदर आपको 3 टैब आएंगे। थर्ड सेकंड वन टैब में जहाँ लिखा है ऐप चूज और इस ओपन पे क्लिक रखना है, चूज पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे जोन सी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप है जिसको आप चाहते हैं कि जैसे ही वो ऑन हो और मोबाइल डेटा और आपका वाईफाई ऑफ हो जाए, उसको आप सिलेक्ट करिए। मैं एक ऐप है, मैं कैंडी क्रश को सिलेक्ट करता हूँ, डन करता हूँ। एक्चुअली ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग गेम नहीं है, इसमें इंटरनेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर कोई ऑनलाइन गेम है तो आप उसको किसी भी गेम को यूज़ करके सिलेक्ट करिए, नेक्स्ट करिए, ऐड एक्शन पर जाइए। यहाँ पे आप लिखिए वाई सेट वाई फाई, क्लिक करिए। अब यहाँ पे टर्न वाई फाई ऑन है, इसको ऑफ करिए। प्लस के सेक्शन में जाइए, यहाँ लिखिए सेट मोबाइल डेटा आ जाएगा, इस पर क्लिक करिए, इसको ऑफ करिए, नेक्स्ट पे जाइए और आस्क बिफोर रनिंग है, इसको ऑफ कर दीजिए। ये करना बहुत ज़रूरी है, अगर इसको आप ऑफ नहीं करेंगे तो ये चलने से पहले आपकी परमिशन मांगेगा, तो वो पता लग जाएगा कि ये कुछ ना कुछ पीछे सेकेंड एप्लीकेशन रन कर रही है। तो इसको ज़रूर ऑफ करिए, डन करिए और बाहर आ जाइए। अब मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। अब यहाँ से मैं वाईफाई कनेक्शन और मोबाइल डेटा ऑन करता हूँ। अब मैं जाता हूँ ऐप के ऊपर, जैसे ही मैं ये ऐप खोलूँगा, आप देखिए ऊपर ऑटोमेशन रनिंग पे आ गया है, और आप देखिए वाईफाई और मोबाइल डेटा ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है। अब मैं आपको इसको दोबारा एक बारी करके दिखाता हूँ। ये हो गया मोबाइल डेटा, ये वाईफाई, ये मैं गेम दोबारा ओपन करूँगा, ये देखिए फिर रन हो गया पीछे, और ये दोनों चीज़ें बंद। ये बेसिकली ये उनके लिए है जो ऑनलाइन गेम स्ट्रीम करते हैं, ये ऑफलाइन गेम के लिए नहीं है, ये ऑनलाइन गेम के लिए। ऑफलाइन अगर इसको आप ऑफलाइन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वो मैं ऑटोमेशन थर्ड वन तीसरे हिस्से में बताऊंगा आपको। इसको आप क्रॉस कर दीजिए, बाहर आ दीजिए, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वन। अब जो सेकेंड वन है इसको पहले डिलीट कर देते हैं। अब सेकंड वन है वो है आपकी प्रिवेसी के लिए, जैसे आपकी फ़ोटोज़ वगैरह, अगर आपको से कोई फ़ोन मांग लेता है और आप चाहते हैं कि वो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह ना देखे या ना सर्च करे, और आप फ़ोटो डिलीट भी नहीं करना चाहते और हाइड भी नहीं कर सकते, तो आपको बस छोटा सा काम करना है, ये ऑटोमेशन बना के रखना है। जब भी किसी को फ़ोन देना, बस आप इसको इनेबल और डिसेबल करना है। क्रिएट पर्सनल पर जाइए, अब यहाँ पे ऐप पर जाइए, यहाँ पे चूज़ करिए, यहाँ पे लिखिए फोटोज, ये आ गया, बार पे क्लिक करिए, डन करिए, नेक्स्ट करिए, ऐड एक्शन पे जाइए। अब आपने ऐप को क्रैश करना है, क्रैश करने के लिए आपको क्या चाहिए कि जैसे ही ओपन हो तो आप कोई दूसरी ऐप को ओपन कर सकें, यहाँ क्लिक करिए। सबसे अच्छा तरीका, आप सेट मैग्नीफायर पे क्लिक करिए, ये नीचे आ जाएगा सेट मैग्नीफायर, इस पर आप क्लिक करिए, नेक्स्ट करिए, और यहाँ से आस्क बिफोर रनिंग को ऑफ करना ना भूलिए, इसको ऑफ करिए, डन करिए, और ये हमारा ऑटोमेशन तैयार हो गया। अब बाहर आइए, अब जैसे ही मैं फोटोज ओपन करूँगा, वो ओपन होते ही हमारा मैग्नीफायर ग्लास ओपन हो जाएगा, आप जितना मर्जी ट्राई कर लीजिए वो नहीं चलेगा। जैसे ही फोटो को ओपन किया, ये हमारा ऑटोमेशन रन हो गया और ये मैग्नीफायर चालू हो गया। मैं आपको दोबारा ये दिखाता हूँ, हम यहाँ गए, जैसे ही फोटोज ओपन हुआ ये मैग्नीफाइंग ग्लास ओपन हो गया, ठीक है सर।
इस तरीके से आप अपना फोटोज को बचा सकते हैं बिना डिलीट किए, बिना हाइड किए हुए। अब इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। और जो थर्ड वन ऑटोमेशन है वो बेसिकली है, बेसिकली दोनों के लिए है, बच्चों के लिए भी है, फ्रेंड्स के लिए भी है। इसमें क्या है कि टाइम डिले ऑफ है, ये सबसे बेटर है। इसमें आप टाइम सेट कर सकते हो, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऐप ऑफ हो जाएगी। आइए देखते हैं, प्रेस करिए क्रिएट पर्सनल ऑटोमेशन, ऐप ओपन पे क्लिक करना है। अब इसमें मैं चूज करता हूँ फोटोज, 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 क्लिक कर दिया, डन कर दिया, नेक्स्ट। अब इसमें ऐड एक्शन, इसमें मैं कर दूंगा टाइम डिले, स्टार्ट टाइमर, इस पर क्लिक कर दूंगा और इसको सेकंड में सेट कर दूंगा। टेन सेकेंड, नेक्स्ट, आस्क बिफोर रनिंग को ऑफ कर देना, डन। और इस ऑटोमेशन के लिए एक काम जरूर करना है कि जो आपका टाइमर है उसके अंदर आपको एक सेटिंग रखनी है। बेसिकली वो आपको अपना ये खोलेंगे और इसके नीचे आ रखा होगा व्हेन टाइम एंड्स, इसमें आपको स्टॉप प्लेइंग पे ये सिलेक्ट रखना है, ये वन टाइम सेटिंग है। अब बाहर आ जाइए। अब आप देखिए, जैसे ही मैं फोटो को ओपन करूंगा, ये 10 सेकंड के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो गया। मैं आपको दोबारा ये चेक कराता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, आफ्टर 10 सेकेंड ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। तो इस तरीके से आप अपना पर्सनल ऑटोमेशन तैयार कर सकते हैं और अपनी फोटोज और कोई ऐप को डिलीट किए बिना आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, और मैं एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसके अंदर जो आपका ये शॉर्टकट का नोटिफिकेशन आ रहा है, क्योंकि अगर कोई भी फोन यूज करेगा तो उसका नोटिफिकेशन उसको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा, तो उसको पता लग जाएगा कि शॉर्टकट ऐप पीछे है, रनिंग है या स्टार्ट है, तो उसको कैसे हटाना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।